अल्लाह रहमान रहीम, लॉर्लीम ऑर्थोटिक्स, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ पैरालिसिस ऑफ स्पेसिफिक मसल्स। पेरोनियस मसल स्टार्ट फ्रॉम लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया एंड हेड एंड शेफ्ट ऑफ द फिब्यूला से ये स्टार्ट होता है, और इंजर्शन कहाँ पे है इसकी? टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स पे। इट हेल्प्स द फुट टू इवर्ट एंड प्लांटर फ्लेक्सिस द एंकल जॉइंट। As we know that the gastrosoleus muscle is the main plantar flexor, तो अगर gastrosoleus muscle की power normal है तो अगर peroneus longus weak भी हो जाता है तो इतना effect नहीं पड़ता, क्योंकि gastrosoleus strong plantar flexor है और peroneus longus इतना strong नहीं है, इसलिए अगर वो normal है तो peroneus longus affect भी हो जाए तो इतना ज़्यादा loss नहीं होता plantar flexion power पे। Deformities कौन सी develop हो सकती हैं? First deformity, ज़ाहिर है क्योंकि ये ईवर्ट और प्लांटर फ्लेक्स करवाता है तो ये डिफॉर्मिटीज़ जो है प्लांटर फ्लेक्सर पे इतना असर नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ गैस्ट्रो सोलियस मसल पावर, और ईवर्ट हो जाएगा बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस मसल इज लेटरल एंड इन्फीरियर टू दिस सबटलर एक्सिस एंड इट मेक्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अवेलेबल टू ईवर्ट द फुट। सो द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द सबटलर एक्सिस लेटरल साइड से ऊपर हो जाएगा, दैट टेंड टू रोटेट द फुट इन द ईवरियन, और फुट बाहर की तरफ ईवर्ट हो जाएगा। सेकेंड डिफॉर्मिटी जो डिवेलप हो सकती है वो सुपिनेशन हो सकती है, क्योंकि इनवरियन और ईवरियन पावर जो है वो जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस हैं सबटलर एक्सिस पे जो पड़ रही हैं वो अनबैलेंस हो गई हैं, तो अब क्या होगा, ये सुपिनेट सी पोजिशन आ जाएगी फुट की। थर्ड डिफॉर्मिटी, प्रोनेटरी ट्विस्ट डेवलप हो सकती है जो कि कंपनसेटरी प्रोनेटरी ट्विस्ट होगा। ये फुट को क्योंकि सुपिनेशन की जो कंडीशन है उसमें इनवर्जन इनवर्जन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, अनबैलेंस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से सुपिनेट हो रहा था फुट, तो सुपिनेशन को एक्स्ट्रा सुपिनेशन को रोकने के लिए प्रोनेशन करवाना ज़रूरी थी, तो वो कंपनसेटरी प्रोनेटरी ट्विस्ट बन जाएगा जिसमें फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल जो है उनकी एलिवेशन हो रही है, और इसी तरह रेसिप्रोकल डिप्रेशन हो रहा है किस पे? फर्स्ट एंड सेकंड पे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल जो है वो डाउनवर्ड होंगे और फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल जो है वो अपवर्ड होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोनेटरी ट्विस्ट। इसलिए ये थ्री डिफॉर्मिटीज ही होती हैं, दैट इज इवर्जन इवर्जन इवर्ट हो जाता है फुट, और दूसरी थी सुपिनेशन, और तीसरी प्रोनेटरी ट्विस्ट। अब जो है अगर मार्क्ड वीकनेस हो जाती है पेरोनियस लॉन्गस की, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो एक और डिफॉर्मिटी भी डिवेलप हो सकती है, पेस वेरस जिसे कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ द कंपनसेटरी प्रोनेटरी ट्विस्ट ऑफ द फोर फुट एंड एज अ रिजल्ट लेटरल साइड ऑफ द फुट शेयर एक्स्ट्रा बॉडी वेट दैट लाइकली टू डिवेलप कैलसिस अंडर दी हेड्स ऑफ द लेटरल मेटाटार्सल एंड द वेरस ऑफ द हाइंड फुट। जाहिर है जहाँ पर एक्स्ट्रा वेट पड़ता जाएगा और जाहिर है उसने गेट भी करनी है, वॉकिंग भी करनी है, तो वहाँ की जो स्किन है प्लांटर सरफेस पे पाँव के नीचे वो वाला एरिया जो ज़मीन के साथ ज़्यादा टच हो रहा है उधर कैलसिस बन जाएंगे। कैलसिस मीन्स वहाँ से स्किन जो है वो थिक हो जाएगी, और जो है वो वेरस हाइंड फुट जो है वो वेरस में चला जाएगा। बॉटम में मैंने एक डायग्राम दी है जिसमें नॉर्मल फुट की पोजीशन दिखाई है, फिर वेलगस कंडीशन दिखाई है और वेरस कंडीशन दिखाई है। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ वीकनेस ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस एंड इट्स इफेक्ट्स इन स्टैंडिंग बैलेंस। लिटिल इफेक्ट पड़ेगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टैंडिंग बैलेंस में, और मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि यहाँ पर कंपनसेटरी मसल वर्किंग हो रही है। दूसरे मसल्स अगर ठीक हैं तो उसका मीडियोलेटरल बैलेंस जो है वो स्टेबल रहेगा इन स्टैंडिंग। इन वॉकिंग देखा जाए तो एंटीरियर पोस्टीरियर बैलेंस स्टेबल रहेगा बिकॉज ऑफ द कंपनसेटरी मसल वर्किंग। इफ़ अदर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग दे हैव इनफ पावर टू कंट्रोल देन द एंटीरियर पोस्टीरियर बैलेंस विल बी स्टेबल इन वॉकिंग। वट कैन बी द ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट फॉर द वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस मसल? लेटरल वेज सोल, लेटरल हील। वी कैन गिव वेरस करेक्शन स्ट्रैप एंड कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज अबव मैंशन ऑर्थोसिस विद द हील। वी कैन कम्बाइन लेटरल वेज सोल विद वेरस करेक्शन स्ट्रैप, लेटरल हील विद वेरस करेक्शन स्ट्रैप, एंड ईच ऑफ दीज ऑर्थोसिस जनरेट ए काउंटर मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड द सबटलर एक्सिस दैट टेंड टू प्रोड्यूस ए कंपनसेटरी चेंज इन रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोनेशन।
सेकंड मसल जो हमने पढ़ना है वो है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। पहले हमें इसकी एनाटमी थोड़ी पता होनी चाहिए। टिबियालिस पोस्टीरियर मसल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? टिबिया एंड फिब्यूला की बैक साइड से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसकी अटैचमेंट है, जाके नेविक्यूलर बोन पे। फंक्शन इसकी क्या है, ये इनवर्जन करवाता है और प्लांटर फ्लेक्स करवाता है फुट को। अगर गैस्ट्रोसोलियस जो कि मेन प्लांटर फ्लेक्सर है और अदर प्लांटर फ्लेक्सर जैसे कि पिरोनियस लॉन्गस हमने पढ़ा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, इनकी पावर इनफ है, तो अगर टिबियालिस पोस्टीरियर अकेला वीक है तो इतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लांटर फ्लेक्सर्स और डोर्सिफ्लेक्सर्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिफॉर्मिटीज़ क्या डिवेलप हो सकती हैं, कंट्रैक्चर के लिहाज से देखिए अगर, तो इनवर्जन ड्यू टू कंट्रैक्चर बिकॉज इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज पोस्टीरियो मीडियली। सेकेंड डिफॉर्मिटी वेलगस, वेलगस पोजीशन बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर बिकॉज फुट यील्ड्स टू द स्ट्रॉन्गर ई वर्टर, जिसकी वजह से फुट वेलगस में जाएगा, इस सीवियर कंडीशन में होगा। उसके बाद है पेस्प्लेनस, फ्लैट फीट हो जाएंगे बिकॉज टिबियालिस पोस्टीरियर वाज प्रोवाइडिंग मस्कुलर सपोर्ट ऑन द प्लांटर सर्फेस ऑफ द नेविक्यूलर, क्योंकि इसकी अटैचमेंट ही वहीं पर है, इंसर्शन वहीं पर है नेविक्यूलर पे। तो ऑल क्यूनिफॉर्म सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल एंड क्यूबॉइड एंड मेंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस। पेस्प्लेनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मसल था जो कि नेविक्यूलर को भी सपोर्ट कर रहा था और साथ ही साथ दूसरी तीसरी और चौथी मेटाटार्सल को भी सपोर्ट कर रहा था, क्यूबॉइड बोन को भी सपोर्ट कर रहा था और जो आर्च है लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है उसको भी सपोर्ट कर रहा था। तो अब इन सब पे इफेक्ट होगा, नेविक्यूलर पे भी, क्यूनिफॉर्म पे भी, मेटाटार्सल पे भी, क्यूबॉइड पे, इन सब के इफेक्ट की वजह से जो आर्च है लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो बिल्कुल दब जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, इस कंडीशन को कहते हैं पेस्प्लेनस। स्टैंडिंग बैलेंस पर क्या इफेक्ट होगा, बाइलेटरल स्टैंडिंग पर, स्टैंडिंग बैलेंस में इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना वॉकिंग में इफेक्ट होगा। और वॉकिंग में देखा जाए तो जो रफ टेरेन है, बहुत ज़्यादा ख़राब सरफेस है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अनइवन ग्राउंड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द इनवर्जन पावर, क्योंकि जब वॉक करते हैं तो फुट जो है वो थोड़ा इनवर्जन में जाता है और इनवर्जन पावर लॉस होगी तो उसके लिए वॉकिंग मुश्किल होगी। इसी के साथ साथ उसकी वॉकिंग स्पीड भी इफ़ेक्ट होगी क्योंकि वो जल्दी फटीग हो जाएगा और कंफर्टेबल डिस्टेंस जितना वो पहले कवर करता था उतना नहीं कर सकेगा, लेस कंफर्टेबल डिस्टेंस होगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टर्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वेट जो है जहाँ पर पड़ना चाहिए प्रेशर टॉलरेंट एरियाज पर वहाँ नहीं पड़ रहा और दूसरी जगह पर पड़ रहा है, तो वो पेन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा है क्योंकि फ्लैट फीट भी थे तो लॉन्गिट्यूडनल आर्च भी डिस्टर्ब हुई है, लॉन्गिट्यूडनल आर्च भी फ्लैट हो गई है, पेस्प्लेनस की कंडीशन आ गई है, इसकी वजह से और ज़्यादा पेन होगी जिसकी वजह से वॉकिंग स्पीड भी कम होगी और कंफर्टेबल डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हमारे जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एबनॉर्मल फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, जिसको हम काउंटर फोर्स कहते हैं। सो द काउंटर फोर्स मस्ट बी गिवन टू द मीडियल प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट, ताकि वो लेटरल साइड पर धक्का दे, उसको लेटरल साइड पर लेकर जाए, इसको कहते हैं लेटरली डायरेक्टेड पुल, लेटरल साइड पर लेकर जाए। और क्योंकि हमने देखा पेस्प्लेनस की कंडीशन है, फ्लैट फिट हो रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई आर्ट सपोर्ट देना ज़रूरी है। और थोसिस के हवाले से हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि वेलगस की कंडीशन बहुत ज़्यादा इन सिवियर कंडीशन, जब सिवियर पैरालिसिस होगा तो वेलगस बनेगा, तो वेलगस को ठीक करने के लिए वेलगस कंडीशन को एक स्ट्रैप देते हैं जिसको वेलगस करेक्शन स्ट्रैप भी कहते हैं, so that it provide the laterally directed counter force on the ankle area and it will resist the valgus position, at least उसको further increase होने से रोकेगी और जो है foot को उस जगह rotate करेगी, उसकी alignment को ठीक करेगी, ताकि pressure tolerant areas पर ही weight distribution हो, weight distribute अच्छा होगा, pain कम हो जाएगी और साथ ही साथ हम कोई आर्ट सपोर्ट दे सकते हैं, longitudinal आर्ट सपोर्ट, ताकि उसकी जो flat feet है वो condition भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे, और एटलीस्ट अगर ठीक नहीं हो सकती, फिक्स डिफॉर्मिटी है, तो अकोमोडेट कर सकते हैं हम उसको।